वेलकम बैक फ्रेंड्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो भाई आज हम खेलने वाले हैं वन चंक चैलेंज। मैं हूं डेविड और आप देख रहे हैं वन चंक चैलेंज। जैसा कि आपको पता ही है भाई, हर एक माइनक्राफ्ट के मैप में सर्वाइवल होता ही है भाई। तो आज हम यहां पर सर्वाइव करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है भाई, ये है 16x16 का वन चंक, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमें सर्वाइव करना होगा और ये एक भाई मिनी वर्ल्ड की तरह है यार। तो ये है हमारा वन चंक चैलेंज, जैसा कि आपको दिख रहा है भाई। छोटा सा चैलेंज है यहाँ पर, छोटा लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी नीड्स जो है ना, वो है भाई फूड की। तो फूड हमें यहाँ पर कलेक्ट करना होगा, जो जैसा कि आपको पता है सीड्स। यहाँ पर मैं कुछ दिख नहीं रहा था भाई, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सीड्स कलेक्ट करने वाला होता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा एक पेड़ भी मिलता है, तो पेड़ में वुड हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो उसकी हम टूल्स बना सकते हैं। और यहाँ पर हमें ओक सैपलिंग मिल गई है, ओक सैपलिंग से हम एक और पेड़ उगा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर हमें फूड यहाँ पर हम कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि हम टूल्स बनाएंगे। तो मेरे को ना थोड़ा टाइम दीजिए, टूल्स बना के मैं यहाँ पर आपको सामने आता हूँ। तो यहाँ पर हमने ना सारे के सारे टूल्स बना लिया, जैसे कि पिकेक्स वगैरह सारा के सारा, स्वॉर्ड वगैरह हो चुका है यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो हम वुड्स में तो कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन हमें स्टोन एज भी करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सारा स्टोन कलेक्ट करके और स्टोन के सारे थोड़े बहुत टूल्स हम बना के आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो भाई यहाँ पर हमें कोल भी मिला है, ठीक है, थोड़ा सा। तो अच्छी बात है, हमें रात में मदद मिलेगी, ठीक है। तो कोल यहाँ पर हमें मिल चुका, और यहाँ पर हमने थोड़े बहुत और भी स्टोन्स यहाँ पर कलेक्ट करे। तो कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने सारे अपने थोड़े बहुत टूल्स बना लिए हैं। और उसके बाद हमें टॉर्चेज, जो कोल हमें मिला था, तो मैंने उसकी टॉर्च बना ली। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। टॉर्च यहाँ पर हमें रात में मदद करेगी। और जहाँ पर हमें ओक सैपलिंग मिली थी ना भाई, तो ओक सैपलिंग मैंने यहाँ पर लगा दिया, जिससे कि हमें एक और पेड़ यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो भाई कहाँ लगाऊँ मैं इसको, यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया ओक सैपलिंग है, तो तीनों की तीनों लगा देता हूँ। तो एक भाई कमी है यहाँ पर हमारे मैप में, वर्ल्ड में। तो उसकी वो है कमी शेल्टर की भाई। शेल्टर यानी घर, हमारा शेल्टर हमारा होना चाहिए खुद का। तो यहाँ पर मैं केव बना लेता हूँ एक भाई। शेर जंगल में रहता है, ठीक है। तो यहाँ मतलब शेर भाई गुफा में रहता है, ठीक है। तो यहाँ गुफा बना लेता हूँ मैं थोड़ी सी छोटी सी, ओके। तो यहाँ पर हमारा एक गुफा बन गई है। और यहाँ पर हमारा बेड वगैरह नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत सामान तो मैं इसमें रख ही सकता हूँ। बेड हमें, और यहाँ पर हमारा पेड़ उग चुका है गाइस। तो यहाँ पर हमारे दो पेड़ और रह रहे हैं, ठीक है। तो एक पेड़ हमारे पास यहाँ पर उग गया है, जो कि वुड की हमें कमी नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। शाम हो चुकी है भाई यहाँ पर, और हमारा शेल्टर हमारे पास रेडी है, क्योंकि भाई मॉब स्पॉन होंगे तो हमें छुपना पड़ेगा। और हमारे पास टूल्स भी तैयार है, क्योंकि भाई स्वॉर्ड है मेरे पास, मैं इजिली उनको मार सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उनसे बच भी सकता हूँ। और यहाँ पर टॉर्च लगानी पड़ेगी भाई, अंधेरा हो रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो टॉर्च मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पर भाई रात हो चुकी है, अगर मॉब्स यहाँ पर अभी तक स्पॉन नहीं हुए, अभी तक तो भाई मॉब्स स्पॉन हो जाने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस करो भाई, यहाँ पर क्योंकि भाई यहाँ पर पिग्स वगैरह भी तो स्पॉन नहीं हुए भाई, यहाँ पर एनिमल्स भी नहीं है यार। देखो अभी तक रात हो चुकी है भाई, लेकिन अभी तक कोई भी स्पॉन नहीं हुआ है। यहाँ पर मेरे को पता चल गया कि भाई यहाँ पर कोई ग्लिच है, जिससे कि मॉब्स स्पॉन नहीं हो रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि यहाँ पर मैं माइनिंग कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर माइनिंग की जगह बनाई थी, ठीक है। तो माइनिंग करते हैं पूरी रात, और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ कि भाई मेरे को सामान क्या क्या मिला है यहाँ पर, ठीक है। और अच्छी बात है, अगर मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा सामान मिल जाए तो यहाँ पर भाई मैं पोपट हो जाता है मेरा। मैं भाई यहाँ पर ना एग्रीकल्चर के लिए जो मेरे को सीड्स मिले थे, तो मैं उनको प्लांट करने वाला होता हूँ। लेकिन मेरे को याद आता भाई मेरे पास तो पानी नहीं है, पानी के लिए तो भाई मेरे को बकेट बनानी पड़ेगी, बकेट के लिए मुझे आयरन ढूंढना पड़ेगा, और जो कि मेरे पास एक भी नहीं है। तो मैं सोचता हूँ फिर से माइनिंग करने चला जाता हूँ, ठीक है, आयरन ढूंढने की तलाश में। यहाँ पर मेरे को आयरन तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर मेरे को एप्पल पेड़ काटने से मिल जाता है, और थोड़े बहुत कोल, यानी थोड़े बहुत नहीं, बहुत अच्छे कोल मेरे को अमाउंट में मिल जाते हैं। यहाँ पर बारिश होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर बारिश हो गई है, और सुबह भी यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो मेरे को ज़्यादा सामान नहीं मिला। लेकिन भाई अगर आपको ये वीडियो भाई पसंद आ रही है ना, तो भाई सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो प्लीज़, क्योंकि भाई ये सीरीज़ में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है। और सीरीज़ तो अभी कम्प्लीट नहीं हुई, पहला पार्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर लो, और अच्छा पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये ग्लिच मैं फिक्स कर दूंगा। और अभी हमने अपने टूल्स बना लिए, शेल्टर बना लिया, और माइनिंग वगैरह करी। तो नेक्स्ट पार्ट इज़ इंटरेस्टिंग ऑल्सो, सो सब्सक्राइब इट। हाय गाइस।